मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जल्द ही रेलवे स्टेशन को नया लुक दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन को आने वाले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसका डिजाइन यूनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को रेलवे स्टेशन में हर संभव सुविधा मिल सके। बता दें कि इस कायाकल्प में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया है। और फिलहाल 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन का वर्चुअल रूप से भूमि पूजन करने वाले हैं। और इंदौर एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे रेलवे स्टेशन से इंदौर में रेलवे स्ट्रक्चर को नया रूप मिलेगा, जिसका डिजाइन जल्द ही फाइनल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, रूफ और इसी के साथ प्लाजा, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वाईफाई, प्लेटफॉर्म कवर, शेड जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। वहीं इसके साथ ही पार्क रोड के रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इंदौर में बनने वाले आधुनिक रेलवे स्टेशन में क्या क्या खास रहने वाला है। मिनी मुंबई इंदौर के रेलवे स्टेशन को आधुनिक ढंग से बनाया जाएगा और इसे अगले 50 सालों के हिसाब से विकसित किया जाएगा। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन करेंगे। स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह तैयार किया जाएगा, जहां से हर घंटे करीब 12,000 लोग एक साथ सफर कर सकेंगे। स्टेशन परिसर में मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स भी होंगे।